माता भगवती माँ दुर्गा जगत जननी की साधना उपासना के क्रम में निर्वाण मंत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण मंत्र है जो कि महामंत्र भी है, क्योंकि निर्वाण अर्थात नौ अक्षर का इस नौ अक्षर के महामंत्र में नौ ग्रहों को नियंत्रित करने की भी शक्ति व्याप्त होती है, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता साधक हासिल कर सकता है और विशेषतः पुरुष और महिला दोनों इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। वस्त्र उनके लाल होने आवश्यक है। भगवती दुर्गा माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह मंत्र बड़ा ही उपयोगी और सिद्ध माना गया है और सभी मंत्र स्तोत्रों में से एक महत्वपूर्ण महामंत्र है। यह माता भगवती दुर्गा जी के तीनों स्वरूपों यानी कि महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी और इन सभी के साथ एक साधना का पूर्ण प्रभावक बीज है और साथ ही माता दुर्गा के नौ रूपों का संयुक्त मंत्र भी है, इसलिए इसे महामंत्र कहा गया है और निर्वाण मंत्र इसे कहा गया है। माता आदि लक्ष्मी, आदि काली और आदि सरस्वती तीनों की शक्तियां एक साथ इस मंत्र में संग्रहित है। नौ अक्षर वाले इस अद्भुत निर्वाण मंत्र में देवी दुर्गा की नौ शक्तियां समाई हुई है। एम सरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीम महाकाली का बीज मंत्र है और क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है। इसके साथ निर्वाण मंत्र के प्रथम बीज एम से माता दुर्गा की प्रथम शक्ति यानी कि माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है, जिसमें सूर्य ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाहित है। निर्वाण मंत्र के द्वितीय बीज मंत्र ह्रीम से माता दुर्गा की द्वितीय शक्ति माता ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है, जिसमें चंद्र ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। निर्वाण मंत्र के तृतीय बीज मंत्र क्लीम से माता दुर्गा की तृतीय शक्ति माता चंद्र घंटा की उपासना की जाती है, जिसमें मंगल ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति है। और चतुर्थ बीज में चा यानी कि माता दुर्गा की चतुर्थ शक्ति कुष्मांडा की उपासना की जाती है, जिसमें बुध ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति है। निर्वाण मंत्र के पंचम बीज मूम से माता दुर्गा की पंचम शक्ति माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है, जिसमें कि बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई है। निर्वाण मंत्र के षष्ठ बीज मंत्र डा इसे माता दुर्गा की षष्ठ शक्ति कात्यायनी की उपासना की जाती है, इसमें शुक्र ग्रह को नियंत्रित किया जाता है और उसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। निर्वाण मंत्र के सप्तम बीज मंत्र यही से माता दुर्गा की सप्तम शक्ति माता कालरात्रि की उपासना की जाती है, इसमें शनि ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई है। और निर्वाण मंत्र के अष्टम बीज वी से माता दुर्गा की अष्टम शक्ति माता महागौरी की उपासना की जाती है, इसमें राहु ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई है। और निर्वाण मंत्र के नवम बीज मंत्र चई से माता दुर्गा की नवम शक्ति सिद्धदात्री की उपासना की जाती है, जिसमें कि केतु को ग्रह को नियंत्रित करके बिगड़े हुए कार्य संवार दिए जाते हैं। इस प्रकार से हम निर्वाण मंत्र के मंत्र जप से नौ ग्रहों की ही ताकत शक्तियां हासिल कर सकते हैं, इनको नियंत्रित कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता दुर्गा के निर्वाण मंत्र का जप का अनुष्ठान सवा लाख की संख्या में करना साधक के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है और ऐसा करने के लिए पवित्र एकांत स्थान की आवश्यकता पड़ती है। एकांत कक्ष में, एकांत कमरे में भी यह साधना संपन्न की जा सकती है और नवरात्रों में यह साधना विशेष फलदायी मानी गई है। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन से ही रात्रिकाल में बैठ करके साधक चाहे सुबह करे या रात्रिकाल में करे निर्वाण मंत्र का मंत्र जप करना चाहिए और इतनी संख्या में जप करे कि 9 दिनों तक या 10 दिन तक आपका 1,25,000 की संख्या में जप पूर्ण हो जाए। घी का दीपक या तेल का दीपक साधना काल में प्रज्वलित रहे जो कि अखंड हो, इस बात का ध्यान रहे। और भगवान गणेश और गौरी का पूजन करने के पश्चात में भगवान शंकर से आज्ञा लेनी चाहिए। इसके पश्चात आपको देवी कवच का पाठ करके उसके पश्चात आपको देवी का ध्यान बोलना चाहिए। देवी का ध्यान इस प्रकार है, ओम खड़गम चक्र गदे सुचाप गरिगाम शूलम भूषण विम शिर शमकम संत दतिम करेस्ति नयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलाश मदिति मास पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तोत्सपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके देवी का आह्वान करके प्रणाम किया जाता है। तत्पश्चात हमें धूप और दीपक प्रज्वलित रखना चाहिए और प्रसाद भोग जो भी आपकी स्वेच्छा के अनुसार ला सकते हैं, चाहे फल हो चाहे कोई दूध की मिठाई हो, उसका भोग लगाया जा सकता है। पुष्प गुलाब के देवी के चरणों में तस्वीर के आगे अर्पित करने चाहिए।
इसके बाद मैं अपनी माला को गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर के और उसके बाद मैं ओम एम ह्रीम अक्ष मालिकाए नमः ये मंत्र बोल के माला का शुद्धिकरण करना चाहिए। सुमेरु के ऊपर चंदन की टिक्की लगानी चाहिए। तत्पश्चात हमें नमाण मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का महामंत्र का अवश्य इसी संख्या में जप करें, जिससे कि आपका 10 दिन में पूर्ण रूप से 1,25,000 मंत्र जप पूर्ण हो जाए। और 1,25,000 जप जो व्यक्ति कर लेता है तो उसके बाद में उसे अवश्य ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। नित्य रात्रि काल में 2-3 घंटे मंत्र जप करने के बाद में अपने दाएं हाथ में जल लेकर के ये बोलना चाहिए, ओम गुह्यति गुह्य गोप्त्री तुम ग्रहण स्मत का जपम सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रदान प्रसादान महेश्वरी। यह बोल करके जल को देवी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, जिससे कि आपको जप का फल प्राप्त होता है। और नित्य ऐसा करें और नित्य रात्रि काल में जप करें, और कई साधकों को तो रात्रि काल में महाकाली के दर्शन भी का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण रामकृष्ण परमहंस स्वयं थे, जिन्होंने महाकाली की ऐसी भक्ति की थी, उपासना की थी और नवार मंत्र को सिद्ध किया था, जिसके फलस्वरूप उनको साक्षात महाकाली के दर्शन प्राप्त हुए थे। तो और भी साधकों को जो विशेष विशिष्ट साधक होते हैं उनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, मगर नियमित रूप से नियमों का पालन करके ब्रह्मचर्य से धारण करके जो व्यक्ति नवार मंत्र का जप करता है उसे सिद्धि अवश्य मिलती, इसमें संदेह नहीं है। और 1,25,000 की संख्या में नवार मंत्र का जप आपका जैसे ही पूर्ण होगा तो पूर्ण होते होते ही साधक को सिद्धि का आभास होने लगता है, उसके रुके हुए कार्य बनने लग जाते हैं और सब प्रकार की बाधाएं भी उस व्यक्ति की दूर होने लग जाती है, और नए नए शुभ अवसर धन आगमन के देवी प्रदान करती है। हर प्रकार के सुख भोग भौतिक आध्यात्मिक सुख उस साधक को प्राप्त हो जाते हैं और साधक के ग्रह बाधा भी अवश्य ही दूर हो जाती है, और हर प्रकार की बुरी नज़र से भी देवी सुरक्षा करती है, और साधक की वाक सिद्धि की सिद्धि उस साधक को प्राप्त हो जाती है जो कि 1,25,000 का मंत्र जप निवाड़ मंत्र का कर लेता है। मगर इस बात का ध्यान रहे कि नवरात्रों में ज़्यादा फलदायी यह सिद्धि मानी जाती है, इसलिए अवश्य ज़्यादातर यत्न करके यत्नपूर्वक ऐसा ही समय करें कि नवरात्र में ही आप यह नवाण मंत्र को सिद्ध करें और निश्चित संख्या में इसके मंत्रों का जप करें, और एकांत स्थान में मंत्र जप करने से जल्दी सिद्धि हासिल होती है और देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। रात्रि काल में कुछ विशेष डरावने अनुभव अंतकाल में यानी कि साधना के अंतिम दिनों में होते हैं, तो उससे साधक को विचलित नहीं होना चाहिए और मंत्र जपना जारी रखना चाहिए, और साधक को निर्भीक समझ कर ही देवी उसे वरदान प्रदान करती है, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए अवश्य ही रात्रि काल में मंत्र का जप करें और 9-10 दिनों में 1,25,000 मंत्र जप अवश्य पूर्ण कर लें और देवी के आशीर्वाद और वरदान के आप भागी हो सकते हैं, लाभार्थी हो सकते हैं और अपने जीवन को हर प्रकार से संपन्न बना सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।